जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं उनकी सेवा हम सभी लगाते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य करते हैं, और जितना हमसे बन पाता है, जितनी हमारी सामर्थ्य होती है, तो उसी के अनुसार हम चाहते हैं कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएं। अगर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो हमें शुभाशीष देते हैं, और अगर हमारे पितृ नाराज़ होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आती हैं। तो ऐसी स्थिति में पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी होता है और पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वास्तविक रूप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्राद्ध के बारे में नहीं जानते हैं, उनको श्राद्ध का वास्तविक अर्थ ही नहीं पता होता कि श्राद्ध क्या होता है। वो ये सोचते हैं केवल भोजन बनाकर देना ही श्राद्ध कर्म होता है, जबकि श्राद्ध कर्म में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध जो होता है वो होता है कि उचित समय पर शास्त्र सम्मत विधि द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा भाव से जो भी दान पुण्य दक्षिणा आदि दी जाती है या दान कर्म किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। तो इसलिए श्राद्ध करते समय आपके मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। अगर आप श्राद्ध करते समय गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो इस तरह का श्राद्ध कर्म नहीं लगता है। तो श्राद्ध करते समय आपका मन शांत होना चाहिए, पितरों के प्रति आपके मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए और प्रेम के साथ आपको श्राद्ध करना चाहिए। अब अगली बात ये आती है कि जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो श्राद्ध कर्म किनके निमित्त किया जाता है? श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पितर नहीं हैं और हम तो श्राद्ध कर्म जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पितर तो है ही नहीं, और हमारे कौन से पितर हैं या पितर कौन होते हैं, मतलब पितरों से संबंधित उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। जो हमारे पितर होते हैं, पितर किनको कहा जाता है? जिस मृत व्यक्ति के लिए एक वर्ष तक सभी क्रियाकर्म यानी दैहिक क्रियाकर्म संपन्न हो जाएं, उसी को पितृ की संज्ञा दी जाती है। यानी आपने देखा है जब आपका कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है यानी मर जाता है, तो हम उनके निमित्त सबसे पहले तो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, फिर उनके लिए जो है मासिक भोज करते हैं, और 11 महीने बाद उनकी बरसी की जाती है। तो ये कर्म होता है, और जब एक वर्ष पूर्ण हो जाता है उसके बाद में वो मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आज के समय में, क्योंकि जो आप जानते हैं आज का जो समय है वो बहुत तेज़ी से भागता है, तो लोग क्या करते हैं जब कोई मृत व्यक्ति होता है तो अंतिम संस्कार करते हैं और 13वीं के दिन ही वो बरसी तक का काम कर देते हैं। यानी ना तो मासिक भोज करते हैं और बरसी भी उसी दिन यानी 13वीं के दिन ही कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आत्मा की स्थिति होती है वो बहुत विकट हो जाती है, उनका जो क्रियाकर्म होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो आत्माएं होती हैं, ऐसी आत्माएं प्रेत योनि में चली जाती हैं, क्योंकि उनका जो क्रियाकर्म होता है, जो एक वर्ष का जो पूरा कार्यकाल होता है उसमें जो भी हमें क्रियाएं करनी होती हैं वो पूर्ण नहीं मानी जाती हैं, और इस तरह की जो आत्माएँ होती हैं वही आगे चल करके प्रेत योनि में जाती हैं और हमें प्रेत दोष लगाती हैं। और जब हमें प्रेत दोष लगता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो इसीलिए जो हमारे मृत परिजन होते हैं तो उनका जो भी अंतिम संस्कार का जो कार्य होता है और जो एक वर्ष तक का कार्य होता है वो हमें पूरे विधि विधान से और शास्त्रोक्त नियम के अनुसार करना चाहिए, तभी जो है मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो पितृलोक की ओर गमन करता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात, जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस स्थिति को गया है। यानी श्राद्ध जो होता है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, और जब हम सामूहिक रूप की बात करते हैं तो उसके लिए सर्व पितृ अमावस्या होती है,
जो व्यक्ति जो श्राद्ध कर्म जिनके हम नहीं कर पाते हैं, जो छूट जाते हैं, जो हमारे भूले बिसरे व्यक्ति होते हैं, सॉरी पितृ होते हैं, उन सब के निमित्त जो कर्म किया जाता है वो सर्व पितृ अमावस्या को उन सभी के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो इसीलिए श्राद्ध कर्म में एक व्यक्ति विशेष के एक निमित्त दिन पर जिस समय उसका शरीर पूरा होता है यानी वो मृत्यु को प्राप्त होता है उस तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। इसलिए जो श्राद्ध पक्ष होता है वो पूरे 16 दिन का होता है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष यानी पितृ पक्ष माना जाता है। तो उसमें इन 16 दिनों में आप अपने पितरों के निमित्त ये सभी कर्म करते हैं। श्राद्ध पक्ष के जो देवता होते हैं वो 3 होते हैं, वसु, रुद्र और आदित्य। ये 3 देवता जो हैं श्राद्ध कर्म के देवता माने जाते हैं। तो जब आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करते हैं श्राद्ध कर्म के लिए, उनको भोजन खिलाने के लिए, तो ये देवता उनके शरीर में वास करते हैं और वहाँ से जब वो भोजन करता है ब्राह्मण व्यक्ति, तो उस भोजन की ऊर्जा को ये ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को ले जा करके जिसके निमित्त हमने श्राद्ध किया है उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये इन देवताओं की विशेषता होती है। तो इस प्रकार से श्राद्ध कर्म में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपका घर जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए। श्राद्ध कर्म का जो आहार होता है वो पूर्ण सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। श्राद्ध कर्म में भोजन खिलाने के लिए आपको केवल ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना चाहिए। और जब आप श्राद्ध कर्म करें उस समय पर आपके घर में शोर नहीं होना चाहिए, बच्चे रो नहीं, मतलब जैसे देखते हैं कि कुछ घरों में शोरगुल रहता है, बच्चे रोते रहते हैं या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या हंसी मजाक होता रहता है, तो ऐसी ये स्थिति आपके घर की नहीं होनी चाहिए। जब आप श्राद्ध कर रहे हों उस समय पर, जैसे ही आप अपने पितरों का आह्वान करते हैं उस समय पर सभी को शांत हो जाना चाहिए और जो स्त्रियां हैं उनको अपना सर ढक लेना चाहिए और पुरुषों को भी सर ढक करके उनके लिए तर्पण आदि जो विधान होता है उस विधान से अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। पितरों की सेवा करते हुए श्रद्धा का भाव आपके मन में होना चाहिए और आप ये भाव रख करके श्राद्ध करें कि जिसके निमित्त हम ये भोजन सामग्री दान दक्षिणा कर रहे हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। तो इस भाव को रखते हुए आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म जब भी आप करें उसके लिए जो उचित समय होता है वो 11:30 से 12:30 के बीच का समय होता है, जो सर्वोत्तम होता है। उस समय पर पितरों का ही समय माना जाता है और जो लोग जल्दी यानी सुबह बहुत जल्दी कर देते हैं तो उस समय जो समय होता है, जो सुबह का समय होता है, वो देवताओं का समय होता है और 11:30 के बाद में पितरों का समय आ जाता है। तो उस समय पर अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मित्रों, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो हमने आपको पितृ पक्ष से संबंधित दी है। अपनी आने वाली वीडियोस में भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।